पोर्ट को पानी की सुनिश्चितता देने के लिए बनाई गई थी, जो भारत के लिए एक इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में है। और भारत सरकार ने इस परियोजना के ऊपर जो लागत व्यय की है, निश्चित रूप करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। कल हमने फरक्का परियोजना से जुड़े हुए विषयों पर अपने अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। हमारी बातचीत के उपरांत जो विषय आए, उन विषयों को लेकर के जिला प्रशासन के साथ में भी बैठक की। दो तीन तरह के विषय मुख्य रूप से हैं, जिनमें से एक फरक्का परियोजना की जमीन पर अतिक्रमण का विषय है। यहाँ के स्थानीय नेताओं के संरक्षण में और सरकार और राज्य सरकार और राज्य सरकार के तंत्र के प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के चलते हुए भारत सरकार की स्वामित्व की इस भूमि पर अनेक लोगों ने उनके घरों पर जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किए। हमने कल जिला प्रशासन को भी इस बात के लिए आगाह किया है, आग्रह किया है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इसमें जो अब तक लोगों ने इस तरह का काम किया उनके इवैक्यूएशन के लिए शीघ्र काम किया जाना चाहिए। CISF की सिक्योरिटी और ज़्यादा हमारी संपत्तियों के लिए कैसे और ज़्यादा सिक्योर हो सकती है, इसके लिए भी हमने जो है कल निर्देश दिए। फरक्का बांध लगभग 45-50 साल पूरे कर चुका है। बांध के गेट्स के पुनर्निर्माण के लिए उनके नए गेट लगाने का काम चल रहा है। कोरोना की आपदा के कारण से कुछ काम विलंब हुआ है, लेकिन बचे हुए जो गेट्स हैं, जो गेट बदल दिए गए हैं उसके बाद में जो बचे हुए गेट्स हैं वो अगले 6 महीने में पूरे बदल दिए जाएंगे। फिश लॉक जो नदी में हिलसा अगेंस्ट द स्ट्रीम फ्लो करके आती है, वो नदी में उसका निरंतर आगमन बना रहे स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में, उसके लिए जब इस फरक्का बराज प्रोजेक्ट को बनाया गया था तब एक फिश लॉक गेट नंबर 23-24 के बीच में दिए गए थे, दो फिश लॉक, वो 1998 से इनऑपरेशनल है, वो काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कल उसकी भी समीक्षा की है और हमने निर्देश दिया है कि उसकी डिजाइन जो अप्रूवल के लिए आई हुई हैं उनको शीघ्र डिजाइन को कंप्लीट करके आने वाले 6-8 महीने में वो फिश लॉक्स भी बना दिए जाएं, ताकि नदी में हिलसा का निरंतर ब्रीडिंग जो है वो बना रहे, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आए। फरक्का बैराज पर जो रोड बनी हुई है उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पिछले वर्ष जब मैं यहाँ आया था तब हमने इनिशिएटिव लेकर के निर्णय किया था कि इस रोड को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। पहले इस तरह की धारणा बनी थी क्योंकि नया ब्रिज बन रहा है उसके कारण से अब इसको रिपेयर करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उस रिपेयरिंग को कंप्लीट किया है और पूरे ब्रिज को इल्यूमिनेट किया है, उसके ऊपर लाइट्स लगाई ताकि लोगों को सुविधा हो सके। कटाव यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि कटाव जो है वो प्राकृतिक है और भारत में नहीं, केवल गंगा में नहीं या केवल बंगाल में नहीं, देश के अन्य अन्य हिस्सों में जहाँ भी बड़ी नदियाँ बहती है और बरसात में जिन नदियों में बहुत ज़्यादा वेग होता है उनमें सभी जगह पर कटाव की ऐसी स्थिति है। आसाम का भी संकट है, गोदावरी नदी के किनारे भी इस तरह के संकट हैं, गंगा के पूरे प्रवाह क्षेत्र में है, कोसी में भी इस तरह की समस्या है। तो देश की सभी ऐसी बरसात में तेज बहने वाली नदियों में इस तरह की चुनौतियां आती हैं। भारत सरकार राज्यों के सहयोग से इन कटाव को रोकने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाती हैं, लेकिन फरक्का बांध परियोजना ने लगातार पिछले वर्षों में ऐसे कटाव को रोकने के लिए अपने कार्यक्षेत्र जो उनका डेजिग्नेटेड एरिया है उस एरिया में उन्होंने हमेशा काम किया है। निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है, लेकिन राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण से, राज्य सरकार के द्वारा इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करने के कारण से लोगों का जीवन निश्चित रूप से खतरे में पड़ा है और ये जो है इस समस्या का भी स्थायी समाधान हो इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अध्ययन करके कि पूरी दुनिया में इसके लिए नई टेक्नोलॉजीज क्या बनी है और इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इसके लिए भी एक सब ग्रुप का गठन किया है ताकि पूरी दुनिया पर आई। लेकिन आने के बाद में उन्होंने न माओं की या माताओं की समस्या के समाधान के लिए काम किया,
न बंगाल की माटी या बंगाल प्रदेश के विकास के लिए काम किया और न बंगाल के मनुष्यों के जीवन में कोई परिवर्तन आ सके इस दृष्टिकोण से काम किया। इन सारे विषयों में बंगाल की सरकार एब्सोल्यूट जो है फेल हुई है। इसके विपरीत बंगाल की सरकार ने तीन प्रमुखता से काम किया। एक जो है सरकारी तंत्र का पॉलिटिसाइजेशन किया, दूसरा राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराध का राजनीतिकरण किया, और तीसरा जो है भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया है। भ्रष्टाचार को उन्होंने संस्थागत बना दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। किसी भी समाज में, किसी भी संस्थान में या किसी भी देश या प्रदेश में इन तीन में से कोई एक दोष यदि आ जाए तो समाज, संस्थान, देश या प्रदेश के क्षरण को, उसको बर्बाद होने से नहीं रोका जा सकता। दुर्भाग्य से ये माँ माटी और मानुष के नाम पर आई हुई सरकार ने इन तीनों ही विषयों को खुला समर्थन दिया है। लेकिन मैं, क्योंकि मैं 2011-2016 दोनों चुनावों का साक्षी रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ, अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर ये बात कह सकता हूँ कि अब की बार बंगाल में परिवर्तन की आंधी बह रही है। बंगाल की जनता ने स्पष्ट रूप से मानस बना लिया है कि अब की बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश में केवल एक ही राजनीति चलेगी, ये निश्चित हो चुका है कि अब देश में भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित धन की ताकत पर या गुंडों के बल पर अर्जित जो है मसल पार के आधार पर राज नहीं चलेंगे। अब केवल और केवल विकास की राजनीति चलेगी, और विकास की राजनीति बंगाल के व्यक्ति भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि पूरा देश दुनिया का सक्षम देश करने की तरफ चले और दूसरी तरफ बंगाल का साधारण मनुष्य जो है साधारण मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करता रहे। बंगाल की जनता जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में बनाने वाली है। शुभेंदु अधिकारी का आप लोग को दल में आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। खिजुरिया का स्कूल में जाकर के आया हूँ। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट का जो स्कूल है वो स्कूल का हमने कंप्लीट अभी रिनोवेशन किया है, और मैं खुशी के साथ में ये कह सकता हूँ कि स्कूल में जो टीचर्स अभी काम कर रहे हैं, मे बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मे बी ऑन परमानेंट बेसिस, बट स्कूल में 2000 के लगभग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उन्होंने बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम, जो बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम दिए। जहाँ तक हॉस्पिटल में स्टाफ का है, डॉक्टर्स की बात है, अब क्योंकि हमारा यहाँ पे टोटल डिप्लॉयमेंट बहुत कम हो गया है। कभी किसी ज़माने में 4,000-5,000 एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, अब हमारे केवल 170 एम्प्लॉयज़ यहाँ बचे हैं। राज्य सरकार को हमने कई बार कहा है स्कूल के लिए और हॉस्पिटल के लिए, दोनों के लिए, कि वो इसको एक पब्लिक हॉस्पिटल बनाने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और वो इसको पब्लिक हॉस्पिटल बनाएं और पब्लिक स्कूल बनाएं, इस दिशा में काम करें। लेकिन राज्य सरकार ने हमेशा ही इस विषय पर उदासीनता दिखाई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है जब व्यवस्थाएं बदलेंगी तो निश्चित रूप से हम इन चीज़ों को भी और अधिक जो है इफेक्टिव बना पाएंगे। तो आपने अतिक्रमण का मैंने कहा कि अतिक्रमण यहाँ इस क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार और प्रशासनिक तंत्र जो है उसमें बिल्कुल उदासीन है, वो हमारी तरह हमारा तनिक भी सहयोग उसमें नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में भी बात की है, यहाँ तक कि अतिक्रमण के समय में हमने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्टर जनरल था, लेकिन कहीं से भी हमें किसी भी तरह का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हमने CISF को भी निर्देश दिया है कि अतिक्रमणों के खिलाफ जो है और कठोरता के साथ में पेश आने की आवश्यकता है। वहाँ से यदि वो का बैराज जो है भारत के जिन इंजीनियर्स ने बनाया और जो इंजीनियर मेंटेन कर रहे हैं वो क्षमतावान है, उसको लेकर के आप जो है मुझे लगता है कि किसी तरह का भ्रम और संशय पैदा करने की आवश्यकता है।